हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकाज किचन। आज मैं आपको पनीर की भुर्जी बताऊंगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स पनीर लिया है, ग्रेटेड पनीर है। 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 ग्रीन चिली लिया है, कस्तूरी मेथी लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 3 अनियंस लिए हैं ग्रेटेड और 3 टोमेटोज लिए हैं मैंने, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हींग लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसमें मैं घी डालती हूँ, घी गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा डालती हूँ, हींग डालती हूँ, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं इसको। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी। ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी और इसको भी भून लूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैं इसको ढक देती हूँ। मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, मिक्स कर लेते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गए, मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें टमाटर्स ऐड कर ले रही हूँ। इसे भून लेते हैं। मैं इसमें रेड चिली ऐड कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी ढक के रख देते हैं, जब तक ये टोमेटो थोड़ा सा मैश हो जाएंगे। टोमेटोज़ को चेक कर लेते हैं, ये पक गए हैं। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी, ये कसूरी मेथी और गरम मसाला है, इसे भी मिक्स कर लूंगी। और इसमें ये पनीर ऐड कर देते हैं, इसको भी मिक्स कर लेंगे। होम मेड पनीर है ये। इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और 2 मिनट के लिए इसको भी ढक देती हूँ। इसे चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये भुर्जी बन के तैयार है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डालती हूँ। मिक्स कर लेते हैं। पनीर की भुर्जी बनके तैयार है और मैं इसको सर्व करती हूँ। पनीर की भुर्जी बनके तैयार है, इसे मैं कोरिएंडर से गार्निश करती हूँ। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये झटपट तैयार हो जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगती है मेरी ये रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू।